Hello, salam, sat sri akal, namaste, hello, hi, and ui. आज छोटा सा वीडियो है और उसके लिए मतलब सब्जेक्ट है हमारा ख्वाजा सरा, जो हमारे यहाँ ख्वाजा सरा एक बहुत डिसेंट वर्ड है जो मुगलों के दौर से, बादशाह के दौर से चलता आ रहा है, लेकिन अब तक बिगड़ कर बुखार हो गया उसको, हिजड़ा कहते हैं। तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी इंडिया पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में फिर भी बेटर है, बट पाकिस्तान में तो बहुत ही अगली उसका एटमॉस्फेयर है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको चलने नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसे साबर होते हैं वो, सच्चे होते हैं, तो क्या मैं क्या बताऊँ। एनीवेज, कहने का आज जो टॉपिक है उसको मैं ये कहना है कि ख्वाजा सरा पैदा क्यों होता है और वजह क्या होती है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो फैमिली का चल रहा होता है इश्यू के, हमें बेटा चाहिए, और उसके ऊपर, माँ के ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो परेशान हो जाती है और वो बस दुआएं मांगने लग जाती है कि ऐ मालिक मुझे जो है ना बेटा दे दे, बेटा दे दे। लेकिन टाइमिंग कुदरत की तरफ से ऐसी होती है कि बेटी होनी होती है। अब वो दोनों एनर्जीज, वो ताकतें दोनों मिल गई कि उनकी दुआ और अल्लाह ताला की जो ख्वाहिश है, वो कहते हैं ना कि अपनी ख्वाहिश को भी मेरे आगे सरेंडर करो तो फिर मैं तुझको वो दे दूंगा जो तुझे चाहिए। तो फिर लेकिन ऐसा इंसान करता नहीं है। तो इस सिचुएशन में मदर के ऊपर प्रेशर होता है, ख्वाहिश होती है तो शोहर की तरफ से, शोहर की फैमिली की तरफ से कि भाई हम खानदान में लड़के पैदा होते हैं, लड़का पैदा करो। तो वो कुल मिला के अगर जरा सी भी कहीं वीक हो जाती है एनर्जी माँ की, तो उस शक्ल में फिर क्या होता है कि दोनों एनर्जीज मिलने के बाद एक बहुत ही, आप देख सकते हैं कि किस टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। ये तकरीबन 90% ऐसे होता है और 10% ऐसा होता है कि माँ या बाप की किसी भी चीज में, बॉडी में किसी चीज की कमी रह जाती है, कोई सेल वगैरह उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, तो कुदरती कोई खराबी हो तो वो उससे भी, लेकिन वो 10% होता है और वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही ओरिजिनल वो होता है, मतलब बिल्कुल अपने बॉडी के पार्ट्स के साथ पैदा नहीं होता वो शख्स या औरत या आदमी। तो हमारे यहाँ, हमारी एक जानने वाली हैं, उनके यहाँ इसी तरह उनकी बेटियां थी, तो उनको बड़ी विश थी कि मैं लड़का हो, लड़का हो। हर मरतबा जब भी बच्चा पैदा होने वाला है तो लड़का 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 लड़का। तो फाइनली ऐसा ही हुआ, उनको लड़का मिला, लेकिन बॉडी जो थी वो लड़कियों की और नेचर जो है वो लड़कों की है, और उनको संभालना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। तो फाइनली ऐसी सिचुएशन आई कि वो बच्ची बाहर निकली और बाहर जाके अपनी लाइफ गुजारी। अब थोड़ा मॉडर्न हो गया तो वापस सिटी में भी आ गई, लेकिन क्या है कि वो रिस्पेक्ट, वो मतलब रियलिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। यहूदियों में ये क्वालिटी है कि जब उनके यहाँ, पहले तो प्लान करते हैं, पहली चीज कि हमारी इतनी एनवायरनमेंट है कि मैं अपनी बीवी को किसी ऐसी जगह पे, किसी जन्नत नुमा जगह पे ले जा सकूं और तो फुल उसका ब्रेन इतना बड़ा कर दूं कि वो उसका नोबेल प्राइज की बुक में, पूरी दुनिया की बुक में उसका, मेरे बच्चे का नाम पैदा हो सके, इतना इंटेलिजेंट पैदा हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं, अगर वो प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद औरत को पूरी की पूरी वो रिक्वायरमेंट्स दी जाती है जो उसको चाहिए होता है, पूरा सहारा, मोहब्बत, खलूस और दौलत धड़ाधड़ खर्च की जाती है। तो तब जाके उनके बच्चे जो हैं ऐसे क्वालिटी के होते हैं, या फिर अमेरिका में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं फ्रीडम में। तो जो भी है खुदा का शुक्र अदा करो।
अगर औरत आ रही है आपके घर में तो फिर हमारे यहाँ तो जन्नत की शक्ल अख्तियार कर जाती है ना। माँ जब बनती है तो फिर वो उसके पैरों से, पैरों के नीचे जन्नत आ जाती है, और कोई इस बात को वैल्यू नहीं करता। उस औरत के पैरों के नीचे जो भी बच्ची पैदा हो रही है वो अपनी जन्नत पैरों में लेकर आ रही है, सर पे नहीं लेकर आ रही। जन्नत में जाने के लिए नहीं जा रही, उसके पैरों के नीचे है, क्योंकि उसने जो अमल दोहराना है औलाद पैदा करके, तो वो तो दुनिया का कोई भी मर्द कर ले, ये कोशिश करके दिखा दे, तो अल्लाह ताला ने खसूसियत बिल्ट करने वाली सिचुएशन जो है वो तो औरत के पास ही है। मर्द, बेहतरीन मर्द पैदा कर सकती है औरत, और उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि ये खाने वाली चीज है या इस्तेमाल करने वाली चीज है या भूखे शेर की तरह के। भूख शेर तो फिर भी छोड़ देगा अपना शिकार अगर उसका पेट भरा हुआ, लेकिन आदमी, और हमारे यहाँ खसलतें, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको तरबियत दे, अल्लाह उनके दिल साफ करे, उनको नेक नेकी सिखाए, अंदर नेकी पैदा हो, और सबकी बेटियों को वो अच्छी नजर से देखें, फ्रीडम दें उनको, जहनी आजादी दें ताकि वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो आज बस इतना काफी है, 6 मिनट का मेरा, ऑलमोस्ट 6.5 मिनट का हो गया है वीडियो। तो ये पैगाम है कि, और हो सके तो ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर कर दें कि औरत हिजड़ा, ख्वाजा सरा या खुसरा या खुसरी, औरतें भी तो होती हैं खुसरी। यहाँ अमेरिका में मेरे पास दो कस्टमर्स आते थे अपना वो करवाने के लिए फेशियल्स वगैरह, तो वो फिर बड़े, मैं हैरान होती थी, दो लड़कियां, मुझे उस वक्त पता नहीं था इन चीजों का कि लड़की लड़की, लड़का लड़का भी होते हैं। तो बाद में जाहिर है तजुर्बों के साथ पता चलता जाता है, लोग इर्द गिर्द होते हैं तो बाद में पता लगा कि वो लड़का लड़की है एंड दे आर मैरिड। और अमेरिका में सही इंसानियत और सही रिलीजन का यूटिलाइज होता है। अगर कहीं वहां पे संभाला नहीं जा रहा तो सारे ख्वाजा सराय यहाँ भेज दें या आंखों पे रख लेंगे उनको, क्योंकि वो कुदरत का एक करिश्मा है। अगर हम किसी खुसरे को या हिजड़े को या ख्वाजा सरा को गाली बकते हैं या बुरा भला कहते हैं या शेम शेम करते हैं उनकी फैमिली को, तो सबसे पहले हम खुदा को शेम शेम करते हैं, खुदा पे नाराज होते हैं, खुदा को गाली बकते हैं। तो ये जहन में रखें कि हम किसी भी ख्वाजा सरा को बुरी नजर, बुरी जबान, बुरी हरकत से अजा ना पहुंचाएं, क्योंकि आप डायरेक्ट गाली और दुख और बुरा रवैया खुदा से कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने बिल्ट किया है और कोई नहीं कर सकता। आप तो कर ही नहीं सकते सिवाय इसके कि अपनी औरत के साथ जाके लेट जाए और उसको बुरा भला कहें, और उससे जो बच्चा पैदा हो वो, तो इस हद तक आपको अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि चलो ये हरकत करो, आगे जो तुम बुरा सलूक करते जाओगे मैं तुम्हें तोहफा भी वैसा दूंगा। इसलिए डिमांड ना करो, मेरी रजा में राजी रहो। तो अल्लाह पे भरोसा जो करता है तो वो तो ऐसा ही करेगा, खुश रहेगा, और जो नहीं करता अल्लाह पे भरोसा वो शिकायत करेगा, और उसके खानदान वाले शिकायत करेंगे, उसकी माँ शिकायत करेगी, वो अल्लाह पे भरोसा नहीं करती, सिर्फ नाम लेती है, प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे कि माँ बाप ने सिखा दिया अल्लाह टाइप कोई चीज है दुनिया में तो वो सब कुछ करता है, लेकिन एतबार, यकीन, ऐसी ना इस टाइप की कोई चीज उनके दिमाग में फीड नहीं होती, बस प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस और समझने में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस ना करें, महसूस करें। महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके रवैये मोहब्बत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सब और अकल की हदायत दे, सही 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 आप चलें, सही सोचें, सही बोलें, सही देखें, सही रवैया अख्तियार करें। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच एंड लव यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए मैसेज उन औरतों और मर्दों को जिनके, जिन लोगों को लड़कों का बड़ा शौक। थैंक यू सो मच।